हर हर महादेव दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे पैर इतने खुले क्यों हैं, उस पे भी ये यूज होगा। दोस्तों स्ट्रीट फाइट में और एमएमए फाइट में आपका सामने वाला ओपोनेंट आपको पंच, किक्स, थ्रोज कुछ भी मार सकता है। हमें अपना बैलेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इसीलिए हमारा पैर जो है वो एक स्ट्रांग बैलेंस के साथ हम खड़े होते हैं। इस पोजीशन से मेरा ट्रैवल टाइम इस तरफ और इस तरफ जो है वो कम हो जाता है, इस यहाँ से मेरा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, इसीलिए हम अपने पैरों पे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस के साथ खड़े होते हैं। अगर मैं एक लाइन पे खड़ा हूँ और मुझे इस तरफ ट्रैवल करना है तो मैं ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा लंबा ट्रैवल करूँगा तो ज़्यादा टाइम जाएगा, उसी तरह इस तरफ आने के लिए भी मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पैर खुले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है मेरा, इस पोजीशन में मेरे दोनों पैर सेंटर लाइन से आधा आधा फीट की दूरी पे हैं, मुझे इस तरफ जाना है फास्ट आ सकता हूँ, यहाँ से मुझे इस तरफ जाना है फास्ट आ सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंस कम हो गया है। तो मतलब मेरा ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाएगा इस तरफ और इस तरफ, अगर मुझे कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करना है तो। यहाँ आके मुझे किक मारनी है, यहाँ आके मुझे पंच करना है, यहाँ जाके मुझे पंच करना है, या यहाँ जाके मुझे किक करनी है, या यहाँ जाके मुझे नी करना है। एक यहाँ जो है इस पोजीशन में बेस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से मैं खड़े खड़े स्लिप कर सकता हूँ, और यहाँ से खड़े खड़े मैं रोल डाउन कर सकता हूँ, और यहाँ से अगर मुझे उस तरफ ट्रैवल करना है या मुझे उस तरफ ट्रैवल करना है तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कम है, ठीक है, तो मेरा ट्रैवल टाइम जो होगा वो कम होगा। यहाँ से मैं खड़े खड़े पंचेस का डिफेंस उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा जितना कि मैं यहाँ पे कर पाऊँ। तो ये फ़ायदा है इस पोजीशन में खड़े रहने का। हम एक लाइन में खड़े हैं, मान लो कि ट्राइपॉड आपका ओपोनेंट है, इस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 फीट है, जितना डिस्टेंस है उतना ही वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। ऐसे ही जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा, पर जब हम पैर खोल के खड़े होते हैं तो हम कहीं भी स्लिप और रोल डाउन कर सकते हैं। स्लिप रोल डाउन के बारे में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और इस पोजीशन में हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा डिस्टेंस हर डायरेक्शन में कम हो जाता है। डिस्टेंस कम होने से ट्रैवल टाइम कम होता है और अपने किक्स के पंच की कॉम्बिनेशन इजिली अप्लाई कर सकते हो। डिस्टेंस 360 डिग्री कम हो जाता है, आप कहीं पे भी इजिली मूव कर सकते हो। और ये सेम चीज अगर आप सिंगल लाइन में खड़े होकर करोगे तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से टाइम ज्यादा लगे, और दूसरा कोई अगर आपके फ्रंट लेग पे किक करेगा तो आप ऑफ बैलेंस हो जाओगे। एक बात और, स्ट्रीट फाइट में ये फर्स्ट पोजीशन नहीं है, स्ट्रीट फाइट की फर्स्ट पोजीशन ये है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में हम कभी भी ऐसे खड़े नहीं होते, तो स्ट्रीट फाइट में सेल्फ डिफेंस करते हुए हमारी फर्स्ट पोजीशन ये रहेगी। सेल्फ डिफेंस फर्स्ट पोजीशन क्या है, क्यों है, सेकंड पोजीशन में कब आना है, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बहुत सारे वॉरियर्स ने इस वीडियो के ऊपर लॉजिकल कमेंट्स किए, आपकी एक एक वीडियो में स्टोरी पे शेयर करूंगा और आपको टैग कर दूंगा, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मेरी वीडियोस को लाइक कर देना, शेयर कर देना, फॉरवर्ड कर देना। जय श्री राम।